इस वीडियो में हम सीखेंगे लेटर आई लेटर आई से बनने वाली चीज़ों के नाम और लेटर आई को लिखने का तरीका अपनी स्क्रीन की तरफ देखें ये है स्मॉल आई स्मॉल आई आई चलें अब हम स्मॉल आई से बनने वाली चीज़ों की तरफ चलते हैं अपने सामने स्क्रीन की तरफ देखिए ये क्या है स्मॉल आई और ये क्या है इंक यानी स्याही आई इंक यानी स्याही आई इंक यानी स्याही चले अब हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ देखें ये क्या है आई और ये क्या है इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े आय इंसेक्ट इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े आय इंसेक्ट इंसेक्ट यानी कीड़े मकौड़े अब हम स्मॉल आई को लिखने की कोशिश करेंगे मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगी लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पिछला दोहराते हैं सबसे पहले इस तरफ आइए ये बताएं ये क्या है स्मॉल आई स्मॉल आई ये क्या है स्याही। अगली तस्वीर की तरफ आए ये क्या है इंसेक्ट। इंसेक्ट चलें अब मैं मकौड़े स्मॉल आई लिखने का तरीका बताती हूँ सबसे पहले आपको ये चार लकीरें नजर आ रही होंगी अपने सामने पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि स्मॉल आई को हम दरमियान वाली दो लाइंस पर लिखते हैं और अगर वो इन लाइंस से बाहर निकल जाए तो वो गलत हो जाता है अब मैं आपको लिखने का तरीका बताती हूँ स्मॉल आई लिखने के लिए आपने इन दो लाइन्स पर एक हम एक सीधी लकीर लगाएंगे इन दो लाइंस के दरमियान में मतलब इन दो लाइंस पर ही वो लकीर आएगी और उसके ऊपर एक छोटा सा नुक्ता और ये बन जाएगा हमारा स्मॉल आई पर एक सीधी लकीर और एक छोटा सा नुक्ता सीधी लकीर और छोटा सा नुक्ता और ये बन जाएगा हमारा स्मॉल आई और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी आपने जो छोटा आई लिख रहे हैं स्मॉल आई लिख रहे हैं ये इन दो लाइन से बाहर ना जाए चलें अब हम अगली लाइन की तरफ आते हैं स्मॉल आई एक सीधी लकीर और एक छोटा सा नुक्ता, एक सीधी लकीर और एक छोटा सा नुक्ता, सीधी लकीर और एक छोटा सा नुक्ता, और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका स्मॉल आई इन दो लाइन से बाहर ना जाए नहीं तो वो गलत हो जाएगा स्मॉल आई स्मॉल आई small i small आई स्मॉल आई और स्मॉल आई को हम कैसे लिख रहे हैं दरमियान की दो लाइन्स पर एक छोटी सी लकीर बनाएंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा नुक्ता दरमियान की दो लाइन्स पर एक लकीर और एक नुक्ता एक लकीर और एक छोटा सा नुक्ता और ये क्या बन जाएगा हमारा स्मॉल आई एक छोटी लकीर और एक छोटा सा नुक्ता ये था स्मॉल आई को लिखने का तरीका एक दफा हम फिर से दोहराते हैं स्मॉल आई को लिखने के लिए हम पहली लाइन को छोड़ देंगे और आखिरी वाली को भी सिर्फ दरमियान की दो लाइंस को इस्तेमाल करेंगे उसमें हम एक सीधी लकीर बनाएंगे और फिर उसके ऊपर एक छोटा सा नुक्ता बना देंगे वो बन जाएगा हमारा स्मॉल आई अब अगर आप चाहते हैं कि आप स्मॉल आई को बहुत बेहतर तरीके से लिख सकें, तो इस वीडियो को देखते हुए अपनी कॉपीज पर भी लिखने की कोशिश करें अब मैं आपका छोटा सा टेस्ट लूंगी सामने स्क्रीन पर देखें, जो सब नजर आ रहा है आपको वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं अब आप मुझे बताएंगे सबसे पहले मुझे बताइए ये क्या है स्मॉल आई बिल्कुल ठीक स्मॉल आई अब आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको चार लाइंस नजर आ रही हैं। अब आप मुझे ये बताएंगे कि हम स्मॉल आई को लिखते कैसे हैं पहले मुझे ये बताइए कि कौन सी लाइंस पे हम स्मॉल आई को लिखते हैं बिल्कुल ठीक दरमियान वाली दो लाइंस पर इन दो लाइंस मैं यहाँ पर नुक्ता लगा देती हूँ इन दो लाइंस पर अब आप मुझे ये बताइए कि हम स्मॉल आई को लिखते कैसे हैं बिल्कुल ठीक पहले एक सीधी लकीर और एक छोटा सा नुक्ता। एक दफ़ा हम और लिखते हैं एक सीधी लकीर और एक छोटा सा नुक्ता और ये बन जाएगा हमारा स्मॉल आई चले अब हम इन तस्वीर की तरफ आते हैं ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं अब आप मुझे बताएंगे ये क्या है बिल्कुल ठीक इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकौड़े आए इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकौड़े आए इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकौड़े चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आइए ये क्या है इंक बिल्कुल ठीक इंक यानी स्याही इंक स्याही। इंक यानी स्याही इस वीडियो में हमने क्या सीखा स्मॉल आई स्मॉल आई को लिखने का तरीका और स्मॉल आई से बनने वाली चीज़ों के नाम अब अगर आप स्मॉल आई की पहचान और इससे बनने वाली चीज़ों के नाम और लिखने का तरीका बेहतर और बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में स्मॉल आई को अपनी कॉपीज़ पर लिखने की कोशिश करें